नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने ग्राम उपार्जन की तिथि बढ़ा दी है। उपार्जन प्रक्रिया आज 31 मई को समाप्त होनी थी, लेकिन अब किसानों की सुविधा के लिए इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। अब 7 जून तक सरकार चने की सरकारी खरीद करेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल के अनुरोध पर चना खरीदी की तिथि बढ़ा दी। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि चने की फसल फरवरी में ही तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी सरकारी खरीद गेहूं के बाद की गई। ऐसे में मजबूरी में किसान अपनी उपज को औने पौने दामों पर बेच दिया था, वही जिससे उसे कम रेट मिला, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने दिया गया। वहीं पटेल ने कहा कि पहले चने की खरीद मई में होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने इसे गेहूं से पहले खरीदना शुरू कर दिया था ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। कुछ दिन पहले सरकार ने चने की खरीद से जुड़े एक और अहम फैसला लिया था, जिसके अनुसार पहले सरकारी बाजार में एमएसपी पर रोजाना चना खरीदने की सीमा केवल 25 क्विंटल थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया था। पहले यह प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल चने की सरकारी खरीद होती थी, जिसे घटाकर 20 क्विंटल कर दिया गया। वहीं कृषि विभाग ने सभी कलेक्टरों को नए आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि रबी विपणन सीजन 2022-23 में चना उपार्जन की अंतिम तिथि 31 मई से बदलकर 7 जून 2022 कर दी गई है। वहीं इस वर्ष प्रदेश में 8,71,100 मीट्रिक टन चना उपार्जन हुआ। वहीं राज्य में बता दें कि प्रदेश देश में चने का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए चना खरीदी का समय बढ़ाने का आदेश किसानों के लिए बहुत मायने रखता है। रबी विपणन सीजन 2022-23 में चने का एमएसपी बता दें 5230 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। चना रबी मौसम में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। विश्व के कुल चना उत्पादन का लगभग 70% भारत में होता है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में इसकी की जाती है। यहाँ देश का 1/4 चना उगाया जाता है। चने का उत्पादन कुल दलहनी फसलों का लगभग 45% है। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात से भी बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। चना खरीदी की तिथि बढ़ाने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से फसल बीमा कराने और प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं अनाज जहरीले हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करवाएगी। वहीं 17,00,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ जैविक खेती में राज्य पहले स्थान पे है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।